जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेना के लिए यानी कि विशेषकर जवानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास किए गए, कुछ ऐसे दिशा निर्देश की जारी किए गए जिससे कि जवानों के आत्मसम्मान को, उनके गौरव को ठेस ना पहुँचे और उनके आत्मसम्मान की रक्षा हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, जवानों के सामने सेना में सबसे जो ज़्यादा विकट समस्या है जिसको वो फेस करते हैं, वो अब हल होती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर कई जवानों ने नौकरियां छोड़ी हैं, कई जवान अपने जीवन का भी बलिदान दे चुके हैं, कई ने आत्महत्याएं तक हुई हैं। उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और इसका पहली बार जीता जागता जो एविडेंस निकल कर सामने आया वो आया 30 सितंबर को 2023 में। तो उसके संदर्भ में क्या लेटर है, क्या एविडेंस है, मैं एक एक करके वो दिखाता हूँ और वो कौन से कृत हैं जिनके लिए, कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है वो लेटर जो रिटन ब्लैक एंड वाइट में पहली बार 30 सितंबर 2023 को सामने आया निकल के। और ये लेटर जारी कहाँ से हुआ है, मुख्यालय टेन कोर की तरफ से लेटर जारी हुआ है और किसके लिए जारी हुआ है, जीओसी 81 सब एरिया के लिए ये लेटर जारी हुआ है। सब्जेक्ट आप देखेंगे आपके सामने, अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ ए सोल्जर एंड फोस्टरिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सेना के अंदर एक बहुत अच्छा कल्चर पैदा हो, इसके लिए जवान की जो डिग्निटी है उसको बनाए रखना है, इस संदर्भ में बातें कही गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कुछ जो इंस्ट्रक्शंस और दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जितने भी यानी कि बड़े कमांडर्स हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, उन सब के लिए। और क्या कहा गया था कि जो सोल्जर्स की डिग्निटी है वो इंश्योर करें कि उनके किसी भी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, जो उनके स्प्रिट है। और इस संदर्भ में सारे फॉर्मेशन कमांडर्स को कहा गया कि आप अपने नीचे जितने भी सब यूनिट कमांडर्स लेवल पर हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और उसको नीचे लेवल तक ऑर्डर पास करें। कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम जो सोल्जर्स की डिग्निटी को ठेस पहुंचाता हो, जो सोल्जर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो, जिससे सेना का माहौल नीचे गिरता हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए। और वो एक्टिविटी क्या है, उन्होंने कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस पास किए, उनकी लिस्ट जारी की, वो भी इस लेटर के साथ में है, जो कि इस तरीके से है। अब वो क्या लिस्ट है आप देखिए यहाँ पर, अवॉइडेबल टास्क ऑफ सोल्जर्स, यानी जवानों के वो टास्क जो अवॉइडेबल है, जिनको अवॉइड करना चाहिए। पहला, ओपनिंग ऑफ कार डोर्स, यानी कि कोई भी जवान, आपने देखा होगा जब सीओ साहब आते हैं तो एसएम साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कार का दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई नहीं खोलेगा, ये काम अवॉइड करना है। प्ले कार्ड होल्डर्स आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर, जो एक तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं सोल्जर्स, उस पर लिखा होता है रिसेप्शन के लिए किसी का वीआईपी का नाम लिख के, वो नहीं करना है इस तरीके का। कैरिंग लगेज, पुशिंग लगेज ट्रॉली एट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जो ट्रॉलियाँ सामान लेके जाते हैं जवान, नहीं, ये काम नहीं करना है। होल्डिंग अम्ब्रेला फॉर ऑफिसर्स एट पब्लिक इवेंट्स, धूप है, अधिकारी का अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं, नहीं, बरसात है, अम्ब्रेला लेके खड़े हुए, नहीं, ये काम नहीं करने हैं। ट्रेड मेंस स्पेशली हाउसकीपर्स कैरिंग आउट टास्क इन पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पब्लिक प्लेस है, आम जनता की जो जगह हैं
उन जगह पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, रूट्स पर, जहां पर भी, और विशेषकर उस समय जब जवान ने यूनिफॉर्म पहनी हो, बिल्कुल उनके लिए मना किया है। स्टिक ऑर्डरली मार्कर्स एस्कॉर्टिंग वेरियस अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग फंक्शंस अदर देन सेरिमोनियल परेड, सेरिमोनियल परेड को छोड़ के बाकी किसी भी मौके पर स्टिक ऑर्डरली वगैरह ये काम के लिए बिल्कुल मना किया गया है। ये लिस्ट है कि जो काम नहीं करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट रिफ्रेशमेंट डेट फॉर सर्विंग टी, कहीं भी एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक डेट बना दी जाती है, वहाँ पर चाय दी जाती है, देखिए स्नैक्स दिए जाते हैं, वो एयरपोर्ट पर भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पर भी, हेलीपैड पर, आपने देखा होगा वीआईपी ऑफिसर्स पोस्टिंग जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, ट्रेन के सामने रेलवे स्टेशन पर भी जवान थर्मस में चाय लेके आते हैं, वहाँ सर्व करते हैं, एयरपोर्ट पर, हेलीपैड पर, इस तरह की ड्यूटी नहीं। आगे देखिए सातवें नंबर पे, एम्प्लॉयमेंट एज ए वेटर इन पब्लिक प्लेसेस नॉन ऑफिसर्स मेस फंक्शन एंड प्राइवेट पार्टीज में, जो जवान हैं जो सर्वे वेटर का काम करते हैं वो नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इन पब्लिक प्लेसेस नॉन ऑफिसर्स मेस फंक्शंस एंड प्राइवेट पार्टीज, आपने देखा होगा जवानों को बड़ी तकलीफ़ होती है जब फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में वो ट्रे लेके घूमते हैं, कई बार इस तरह के चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए फोटोग्राफर्स, जो भी सोशल इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स के दौरान जो फोटोग्राफर्स का काम करते हैं, वॉकिंग पेट इन पब्लिक स्पेस रोड्स, जो पालतू कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस में घुमाते हैं, सड़कों पर घुमाते हैं, इस तरह का काम नहीं करना है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग डीमीनिंग हाउस होल्ड कोर्स, यानी घरेलू ऐसे काम नहीं करने हैं जिनको जवान नहीं कर सकते हैं, जिनसे जो काम जवानों से घर में नहीं करवाने चाहिए। एकम्पनिंग लेडीज ड्यूरिंग शॉपिंग एंड कैरिंग शॉपिंग बैग्स, यानी कि बाज़ार में जो लेडीज जा रही हैं उनके साथ जाना, वो सामान खरीद के ला रही हैं, उनके पीछे उनके बैग उठा के चलना, इस तरह के काम नहीं करवाने। एस्कॉर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल ड्रॉप ऑफ, यानी बच्चों के साथ स्कूल में जाना, उनके बैग ले जाना, स्कूल बैग साथ ले जाना, ड्यूरिंग प्ले आवर्स जब बच्चे खेलने जाते हैं उनके साथ जाना, उनके सामान को लेकर जाना, इस तरह के काम नहीं करने हैं। ये जो लिस्ट है ये वो कामों की है जो नहीं करवाने हैं। केयर टेकिंग चिल्ड्रन इन पार्क्स, यानी बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, पीछे पीछे जवान घूम रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए वो बॉल फेंक रहा है, कपड़े फेंक रहा है, पानी की बोतल फेंक रहा है, उनको पीछे घुमाते उनके साथ आगे पीछे ले जाना। एम्प्लॉय इन प्रेजेंस ड्यूरिंग आवा लेडीज क्लब इवेंट्स, उस समय जहाँ पर आवा के फंक्शन चल रहे हैं, लेडीज़ के क्लब चल रहे हैं, जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट जवानों का नहीं करना है। इस तरह का ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पिकनिक इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज पब्लिक प्लेसेस विद सर्विस स्टाफ इन यूनिफॉर्म, यानी कि कोई भी पिकनिक प्लेट पर कहीं इंटरटेनमेंट के लिए कोई एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पर एज ए सोल्जर सर्विंग स्टाफ के रूप में उनको नहीं करवाना, ये काम नहीं करवाने हैं। और क्या है, स्टेइंग इन सर्वेंट क्वार्टर्स, यानी कि ऑफिसर्स के साथ में जो सर्वेंट क्वार्टर रहते हैं, सहायकों को, हेल्परों को, वहाँ पर स्टे करने के लिए कहा जाता है, वहाँ रोके जाते हैं, इस तरह से नहीं करना है। मूव अलोंग विद लगेज इन ट्रक ड्यूरिंग परमानेंट ड्यूटी मूव ऑफ एन ऑफिसर, जब कोई अफसर एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाता है तो उसका जो घरेलू सामान ट्रक में जाता है तो उसके साथ जवानों को भेजा जाता है उसकी सेफ्टी के लिए ट्रक के साथ, इस तरह का काम नहीं करवाना है। ड्राइविंग पर्सनल कार इवन इन ए सिविल फॉर लेडीज इन सिविल गेस्ट, अधिकारियों के कोई गेस्ट आए हुए हैं, लेडीज़ हैं, उनके साथ जाना, उनकी गाड़ी चला के ले जाना, ऐसे भी काम नहीं करवाने हैं। डिटेल एज हेल्पर टू रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसरों के घर में भी जो हेल्पर के रूप में, सहायक के रूप में डिटेल किए जाते हैं वो भी नहीं करने हैं। यानी 20 पॉइंट इस तरह के हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए गए हैं कि ये काम नहीं करवाने हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास हेल्पर डिटेल करने के लिए मना किया गया है, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स के लिए हेल्पर डिटेल करने के लिए मना नहीं किया गया है। लेकिन
उस तरह के काम करने के लिए मना किया गया है जो जवानों की डिग्निटी को, जो जवानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उन सब काम के लिए मना किया गया है। अब मना किया गया है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये बड़ा विषय है, ये है इम्पोर्टेंट। इसके संदर्भ में आगे देखिए, एक और लेटर आपके सामने में लेके आया हूँ, इसी लेटर का रेफरेंस दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 30 सितंबर के लेटर का रेफरेंस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंश्योर डिग्निटी ऑफ सोल्जर, ये लेटर का रेफरेंस दिया गया है। और ये 6 जनवरी 2024 को एक लेटर दिया गया हेडक्वार्टर 81 सब एरिया की तरफ से। पहले जो मैंने आपको लेटर दिखाया वो दिखाया 10 कोर की तरफ से 81 सब एरिया के लिए जारी किया गया। अब ये 81 सब एरिया की तरफ से जारी किया गया है उसकी सब यूनिट्स के डिटेल्स के लिए। हेडक्वार्टर इंजीनियर रेजिमेंट 471, हेडक्वार्टर 10 कोर आरटी ब्रिगेड, हेडक्वार्टर 25 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 36 FAD, हेडक्वार्टर सिग्नल ग्रुप, हेडक्वार्टर 615 इंडिपेंडेंट 80 ब्रिगेड, हेडक्वार्टर 14 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, लोकल लिस्ट जो भी है 10 कोर्स प्रो यूनिट CMP की यूनिट, इन सब को दिया गया। क्योंकि COS की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए, जितने भी फॉर्मेशन कमांडर हैं वो अपने अपने सब यूनिट में लेवल तक इसको इन इंस्ट्रक्शंस को पास करें। तो ये एक चैनल में वहाँ से यहाँ तक चले जा रहे हैं और यहाँ पर वही सारी चीज़ें, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इंस्पाइट ऑफ क्लियर डायरेक्शंस ऑन द सब्जेक्ट सहायक अब्लिक ट्रूप्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग पेट डॉग आउट ऑफ वॉक एंड केयर टेकिंग स्मॉल चिल्ड्रन इन पार्क। ये इंस्ट्रक्शन सारे पास होने के बावजूद भी, सारे सब कुछ होने के बाद फिर भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सहायक भी डिटेल है और वो पार्कों में बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं, कुत्तों को लेकर भी घुमा रहे हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है, यहाँ से बताया गया है। दूसरा, द प्रैक्टिस हैज टू स्टॉप विद इमीडिएट इफेक्ट एंड ऑल ऑफिसर्स आर टू बी एडवाइज टू नॉट टू यूज सर्विस ऑफ सर्विस पर्सनल फॉर द टास्क एज इंस्ट्रक्टेड बाई द COS, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके ध्यान में रखते हुए सर्विंग पर्सनल को इस्तेमाल नहीं करना है, ये कहा गया है। लिस्ट जो टास्क की दी गई मैंने आपको पढ़ के सुना दी, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास हुए और इन्होंने यहाँ बताया, 10 कोर्स प्रो यूनिट इज इंस्ट्रक्टेड टू इनिशिएट रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स वॉलेटिंग दी एबो मेंशन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि CMP यूनिट को ये कहा गया है कि आप इसको ऑब्जर्व करें और अगर आदेशों का वायलेशन हो रहा है तो आप रिपोर्ट दें। CMP वालों को ये ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया है और कहा है फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस प्लीज। ये 6 जनवरी 2024 को लेटर जारी हुआ है, यानी इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं इस लेटर के मुताबिक। अब देखना ये है कि आगे इस पर और क्या एक्शन होता है, इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये एक बात सत्य है कि जो अब तक ये कहते थे कि सेना में ऐसे काम नहीं हो रहे हैं, ये सारे काम जो हो रहे हैं उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा वाकायदा 20 पॉइंटों में उन सबको डिस्क्राइब करके बताया गया कि हाँ यस ये हो रहा है। कई बार लोग बोल देते हैं कि नहीं, रिटायर्ड अफसरों के घर में हेल्पर नहीं जा रहे, यहाँ क्लियर उन्होंने मेंशन किया कि रिटायर्ड अफसर के घर में भी हेल्पर नहीं भेजना है। सहायक सिस्टम जो चल रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा कदम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उठाया गया है, इसकी हम जितनी होती है उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब ये है कि इसको धरातल पर भी इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए, ये धरातल पर भी आना चाहिए, तो ये जवानों के हित में एक बहुत अच्छी बात है, सेना की वर्दी के सम्मान में एक बहुत अच्छी बात है। इसी के कारण बहुत सारे जवान जो सुसाइड तक कर जाते हैं, नौकरी छोड़ जाते हैं, ये उनके लिए बड़े राहत की बात है। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। और सर्विस में हैं उनके साथ तो करें ही,
लेकिन उन सब के साथ भी करें जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ताकि उनको पता चले कि सेना के अंदर कितने सुधार हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।